मुझे प्लीज़ बताना ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों होता है और हम ही जो है वो इसको लेके अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं। या तो देखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो प्रोटीन मत ही लो तो अच्छा है। तो अच्छे प्रोटीन से यही फ़ायदा होता है कि रिकवरी फास्ट होती है आपकी। काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली प्रोटीन ट्राई करने के बाद मैं न्यूट्राबे क्यों लिया हूँ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ज़रूरी है ये वीडियो देखना बिल्कुल, इसको आप जो है वो देखिए और आप भी सही प्रोडक्ट को चूज़ करिए, क्योंकि आज की डेट में प्रोटीन महंगे हो रहे हैं और क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, मिलावट ज़्यादा हो रही है। तो ये है ट्रस्टीफाइड का प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये ट्रस्टीफाइड है, सबसे अच्छी बात है। ट्रस्टीफाइड में नेकप्रो भी है, क्योंकि मैं इससे पहले नेकप्रो यूज़र था, नेकप्रो यूज़ करता था। और क्यों मैं नेकप्रो इम्पैक्ट जो 999 का 1 kg आता है 22 सर्विंग के साथ, क्यों मैं जो वो न्यूट्राबे में आ चुका हूँ। तो ये जो वो ट्रस्टेड ब्रांड भी है, वैसे नेकप्रो भी है, बट नेकप्रो में प्रोटीन कम होता है, ये तो सब मानते हैं, सब यूज़र्स यही बोलते हैं कि नेकप्रो में प्रोटीन कम है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि रेट कम है तो प्रोटीन आपको कम मिलेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोटीन मैंने क्यों लिया, क्योंकि नेकप्रो जो था इम्पैक्ट, उसमें वैसे तो बहुत अच्छा प्रोटीन है, बट उसमें वाइटामिन एंड मिनरल्स उसमें एडेड है, और साथ ही साथ उसमें एडेड है, उसमें जो है वो प्रोटीन में कार्ब्स ज़्यादा है, जो कि अच्छा है आपके गेनिंग के लिए। जो गेनिंग कर रहा है वो कार्ब्स उसमें आपको मिलते हैं, ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उसका टेस्ट भी अलग है, इसका भी टेस्ट भी अलग है, बहुत फ़र्क है दोनों में, बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटी में भी फ़र्क है। ये मैंने 42 सर्विंग्स का 1.5 kg वाला लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छे रेट में जो है मिला है। ये 1899 रुपीज़ का मुझे पड़ा था ऑफर में। ये आपको नॉर्मली 2400 रुपये, 2200 रुपये, अभी जो सेल चल रही है 2200 रुपये के आसपास है, 2400 रुपये, 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा 1.5 kg। बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे सही रेट में पड़ा था, तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे को मिल गया 1.5 kg 1800-1900 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये है 42 सर्विंग्स के साथ। तो इसकी मुझे सर्विंग्स काफ़ी चीप पड़ रही थी, 50 रुपये के आसपास मुझे सर्विंग्स इसकी पड़ रही थी। रिच डबल रिच चॉकलेट है ये, 25 ग्राम प्रोटीन है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें सर्विंग साइज़ क्या है, वो है 35 ग्राम, क्योंकि नॉर्मली इतना ही होता है फ्लेवर्ड वे प्रोटीन में। और इसमें 5.7 ग्राम BCAA है। ये इसका जो है वो QR कोड है, इसको मैंने टेस्ट किया था, चेक किया था, तो मुझे जो ये जेनवन ये प्रोटीन है, मैंने इसको टेस्ट करवाया था। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां आजकल लिखने लग गई है नो बैंड सब्सटेंसेस और नो एडेड शुगर, चलिए ठीक है, नो अमीनो स्पाइकिंग। ये प्रोटीन जो है हेल्थ सप्लीमेंट है, और हम ही जो है वो इसको लेके अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स जो होती है वो आपके शरीर को ख़राब करती है, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। तो हमें प्रोटीन या तो देखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो प्रोटीन मत ही लो तो अच्छा है, क्योंकि लेने से आपको जो वो आप बॉडी डैमेज हो, उससे अच्छा आप जो वो ना लो प्रोटीन, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फेक सप्लीमेंट्स जो आते हैं, नकली जो सर्टिफाइड नहीं होते, फेक होते हैं, वो तो उनसे दूर रहिए। जेन्युइन सप्लीमेंट ही आपको लेना चाहिए, भले थोड़ा पैसे ज़्यादा लगे, आप जेन्युइन लीजिए, और नहीं है तो मत लीजिए। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि आपको चीप सप्लीमेंट्स तो अब मिलने मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, सस्ते मतलब कुछ नहीं मिलने वाला आज की डेट में, और मिलेगा तो फिर वो फर्जी माल। तो ये 42 सर्विंग्स के साथ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ब्रांड और मुझे इस पे भरोसा है, क्योंकि मैं इसकी मल्टीविटामिन, फिश ऑयल्स और इसकी जो वो सारी चीज़, अभी फिलहाल के लिए मैं पूरा न्यूट्राबे में हो चुका हूँ, सब चीज़ें मेरे पास न्यूट्राबे की है, यहाँ तक कि क्रिएटिन भी मैंने न्यूट्राबे गोल्ड का मंगाया है, और न्यूट्राबे का ही जो मैंने सारी प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास न्यूट्राबे की है, और सारे काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो प्लीज़ बताना ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों होता है। तो ये इसका स्कूप है, और ये आपको 35 ग्राम है, पूरा इसको लेना है आपको भर के। न्यूट्राबे की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है स्कूप में भी। तो न्यूट्राबे गोल्ड मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे को प्रोटीन जो है वो नेकप्रो के प्रोटीन में प्रोटीन हमेशा होता है कम, जो कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम आपको नेकप्रो इम्पैक्ट में 22 सर्विंग के साथ प्रोटीन क्लेम करती है कंपनी नेकप्रो, बट उसमें आपको मिलता है सिर्फ 17-18 ग्राम प्रोटीन। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है काम चला लेते हैं हम लोग, हम जैसे लोग जो है वो 1000 रुपये में मिलता है कभी कभार, तो वो भैया मतलब मेरे शक तब हुआ गाइस नेकप्रो में, क्योंकि मैंने देखा कि ऑफर में नेकप्रो का प्राइसेस मतलब कि ऐसे रेट आ जाते थे कि 999 का भी नहीं, वो आपको 850 रुपये, 820 रुपये, 830 रुपये ऐसे रेट में भी मिल रहा था 1 kg 22 सर्विंग के साथ 24 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप विथ विटामिन एंड मिनरल्स। तो मुझे शक हुआ कि यार ये इतना सस्ता आखिर कैसा है, पहले तो मैं सोचा 2-3 मंगा लूँ काम आएगा, बट लेकिन बहुत उसमें कम मात्रा में प्रोटीन है, मतलब अगर वो आपको 1 किलो में अगर आप वो 53 मतलब कि 530 ग्राम प्रोटीन अगर ऑफर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मतलब कि जो लोगों ने लैब टेस्ट भी कराया उसमें जो पाया गया कि वो 400 ग्राम के आसपास है, मतलब कि 40% प्रोटीन वो पूरे पैक में है। कंपनी क्लेम करती है 53 या 50 के आसपास, मतलब कि 50%, बट लेकिन वो 40% आया, मतलब कि एक स्कूप में आपको 17-18 ग्राम प्रोटीन ही सिर्फ मिलेगा, ना कि 24 ग्राम। तो इसलिए मैंने जो है वो उसको स्किप कर दिया फिलहाल के लिए। नेकप्रो जो उसका टेस्ट था काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छा लगता था वो पीने में, क्योंकि वो मिल्की टाइप का, उसमें मिल्क सॉलिड्स भी थे, इसलिए वो मिल्की टाइप का लगता था एकदम,
कोई शेक टाइप का लगता था। ये जो है वो प्रॉपर प्रोटीन टाइप का लगता है, इसमें कोई भी जो है वो थिकनेस नहीं है बिल्कुल, जैसे वो शेक में आता था एकदम कलर ही उसका चेंज हो जाता था, क्रीमी हो जाता था। ये उतना क्रीमी नहीं होता है, लिक्विड ही रहता है, ये पानी टाइप का ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं शेक करके इसको लिया भी हूँ और रेगुलर भी ले रहा हूँ, और मैंने नोटिस किया है कि इसमें कोई भी मेरे को जो है वो मसल रिकवरी में काफ़ी अच्छा है, मदद कर रहा है। पहले से मेरे को ज़्यादा जो है वो सोरनेस कम है, मसल सोरनेस जो मुझे हमेशा होती थी प्रोटीन लेने के बाद भी, और डाइट मेरी वैसी है। तो अच्छे प्रोटीन से यही फ़ायदा होता है कि रिकवरी फास्ट होती है आपकी, मसल जो ब्रेक आप करते हैं जिम में उसके बाद रिकवरी फास्ट होती है। लोकल प्रोटीन जो होते हैं कम रेंज वाले उसको लेने से जो है वो रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मसल सोरनेस होता है, रिकवरी नहीं होता है, तो वो आपको पेन तो करेगा ही।